हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पहले चोरी फिर सीना जोरी, चौतरफा घिरा तो और बौखला गया चाइना, कहा हमारा ही है अरुणाचल प्रदेश। बताएंगे दोस्तों पूरी बात आपको, आखिर अब कैसे सीना जोरी पर उतर गया है चाइना, और साथ ही साथ बताएंगे जहां अमेरिका ने चीन के इस कदम पर भड़कते हुए भारत का साथ देते हुए दे दिया है चीन को जवाब, बताएंगे क्या कहा अमेरिका ने, और साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत ने थमाया नोटिस तो घुटनों पर आया पाकिस्तान, सिंधु जल संधि पर की बात सुनने का हुआ तैयार, बताएंगे दोस्तों पूरी बड़ी खबर क्या है। तो दोस्तों आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का सम्मान करते हैं और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा करते हैं, उनके शौर्य ताकत बल क्षमता पराक्रम का लोहा मानते हैं। तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पहले चोरी फिर सीना जोरी, चौतरफा गिर गया तो बौखला उठा चीन, कहा मेरा ही है अरुणाचल प्रदेश। बता दे अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम चीन ने अचानक बदल दिया, भारत ने इसका विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि चीन ने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं और इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ इसके बाद अमेरिका से भी इसको खरी खोटी सुनने को मिल गई, ड्रैगन दोस्तों एकदम से झुंझला गया। चीन विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने इस क्षेत्र में अपनी संप्रभुता का दावा कर दिया, चीन जैसी मानसिकता वाला शायद ही कोई देश होगा, अरुणाचल के कुछ जगहों का नाम बदलने पर उसको अपनी गलती सुधारनी चाहिए, मगर वो अकड़ दिखा रहा है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश यानी जंगनान हमारा हिस्सा है। अपने दावा को और पुख्ता करने के लिए वो कह रहा है कि हमारे अधिकारियों ने सोच समझकर उन इलाकों के नाम बदले हैं, क्योंकि ये इलाका जंगनान जो कि चीन अरुणाचल को इस नाम से इंगित करता है उसका है। चीन का मौजूदा बयान तब आता है जब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जिनपियर ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका दशकों पहले ही अरुणाचल को भारत का हिस्सा मान चुका है, ये भारत का अभिन्न अंग है, चीन को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद तो चीन मानो बौखला ही गया। उसके आनन फानन में मीडिया को बुलाया और जो मन में आया बक डाला। इसके पीछे जो कारण समझ में आ रहा है वो ये है कि चीन ये दिखाना चाहता है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। अब ऐसे में दोस्तों भारत के इस अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को चाइना अपना बता रहा है, और अमेरिका ने जैसे ही भारत का समर्थन किया कि बौखलाते हुए, अब चाइना ने कह दिया कि हाँ ये हमारी जमीन है और हमने इसका नाम बदला है, हमारी मर्जी हम जो करें। बहरहाल दोस्तों ऐसे में भारत क्या एक्शन लेगा, भारत की सरकार इस पर क्या जवाब देगी दोस्तों, ये देखने वाला होगा। लेकिन एक भारतीय होने के नाते आप लोग दोस्तों क्या जवाब देना चाहेंगे चाइना को अरुणाचल प्रदेश को लेकर, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को हमेशा की तरह शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप फेसबुक पर बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां भारत ने थमाया नोटिस तो घुटनों पर आया पाकिस्तान, सिंधु जल संधि पर दिल्ली की बात सुनने को हो गया अब तैयार। बता दे पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि यानी IWT 1960 में संशोधन की मांग वाली नोटिस पर भारत को अपना जवाब भेजा है। भारत ने 27 से 28 जनवरी को हेग में मध्यस्थता अदालत की सुनवाई से दो दिन पहले संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था। भारत ने संधि के अनुच्छेद 12 के तहत ये नोटिस भेजा था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने सुनियोजित और असावधानी पूर्वक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। पाकिस्तान का कहना है कि वो सिंधु जल के स्थायी आयोग यानी PCIW के स्तर पर संधि को लेकर नई दिल्ली की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल के स्थायी आयोग के स्तर पर संधि को लेकर भारत की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक निचले नदी तट वाला देश है, जबकि भारत ऊंचे तट वाला देश है, और निचले तट वाला देश सिंधु जल संधि के प्रावधानों का उल्लंघन या कोई भौतिक बाधा पैदा नहीं कर सकता है। अधिकारियों ने कहा कि संधि में बदलाव पर बातचीत को लेकर फैसला भारत की चिंताओं को सुनने के बाद ही लिया जाएगा। पाकिस्तान अधिकारियों ने कहा कि संधि के अनुच्छेद 12 के तहत मौजूदा संधि तब तक जारी रहेगी जब तक कि विवाद के पक्ष भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय रूप से समझौते में बदलाव नहीं करते। भारत ने जनवरी में 1960 के सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया था। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां भारत ने फिर निभाई दोस्ती, संयुक्त राष्ट्र में रशिया के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग से किया किनारा। बता दें भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर अपने दोस्त रशिया का साथ दिया। भारत ने मंगलवार को रूस की ओर से यूक्रेन में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र के मसौदा प्रस्ताव पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत के साथ साथ 16 और ऐसे देश रहे जो प्रस्ताव को लेकर हुई वोटिंग में शामिल नहीं हुए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में जिस प्रस्ताव को पेश किया गया था जिसमें यूक्रेन में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर जांच को जरूरी देने का जिक्र था, इसके लिए पिछले साल एक कमेटी बनाई गई थी। यूएन में वोटिंग के दौरान 28 देशों ने फेवर में मतदान किया, तो वहीं चीन और इरिट्रिया दो ऐसे देश रहे जिन्होंने महासभा में प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। मतलब ये दो देश खुलकर प्रस्ताव के खिलाफ नजर आए। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने वोटिंग से दूरी बनाने की
की रणनीति अपनाई है। पिछले साल जब जांच के लिए कमेटी बनाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था तब भी भारत मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। भारत संयुक्त राष्ट्र में रशिया के खिलाफ अभी तक लाए गए सभी प्रस्ताव पर हुए मतदान से दूर रहा है। इसमें 6 प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए थे जबकि 3 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के थे जिसमें रशिया की ओर से यूक्रेन में कार्रवाई की निंदा को लेकर थे। नाटो समेत पश्चिम के अधिकतर देश यूक्रेन में रशिया की ओर से छेड़ी गई लड़ाई के खिलाफ है। ऐसे में भारत ने फिर एक बार ये दिखा दिया है कि भारत का असली दोस्त रशिया ही है। बात करते हैं एक और खबर की जहां कश्मीर का 1 इंच भी आजाद नहीं करा सके तुम। जी हां दोस्तों बता दें पाकिस्तान ने बताया रॉ का एजेंट तो टीटीपी ने उड़ाया मजाक। जी हां पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन चुके तहरीके तालिबान के आतंकियों ने कश्मीर का जिक्र करके जनरल मुनीर की सेना का बहुत बड़ा मजाक उड़ाया है। टीटीपी ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट बताए जाने के पाकिस्तानी सेना के आरोप को खारिज कर दिया और कहा कि मुनीर की सेना कश्मीर को आजाद कराने का दावा करती है लेकिन अभी तक 1 इंच भी हासिल नहीं कर पाई है। टीटीपी के प्रोपेगेंडा विंग उमर मीडिया ने एक बयान जारी करके पाकिस्तानी सेना की अक्षमता का मजाक उड़ाया। उमर मीडिया ने एक बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तानी सेना के रॉ का एजेंट बताए जाने को खारिज कर दिया गया। टीटीपी ने कहा कि अगर उसे भारत का समर्थन हासिल होता तो पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के तालिबान के शासकों से उनकी जमीन पर टीटीपी के अड्डों के बारे में क्यों बात करती। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की अक्षमता पर मजाक उड़ाया दोस्तों और उसकी क्षमता पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि पाकिस्तानी सेना भारत से कश्मीर का 1 इंच जमीन तक आजाद नहीं करवा सकी और हमारा मजाक उड़ाने चली है। बता दें तहरीक तालिबान ने कहा कि पाकिस्तानी सेना केवल अपनी जनता का दमन करना जानती है। टीटीपी ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट और देश में राजनीतिक अराजकता के लिए सेना जिम्मेदार है। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे अफगानिस्तान की सरकार के साथ राजनयिक संबंध बनाए। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की जहां लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है बात करें खबर की रशिया पर भारत को खरी खोटी। अब अमेरिका के सहयोगी ने किया वही काम। बता दें भारत रशिया यूक्रेन युद्ध के बावजूद रशिया से लगातार सस्ता तेल खरीद रहा है। इसके लिए पश्चिमी देशों ने भारत की कई बार आलोचना भी की लेकिन अब अमेरिका का करीबी सहयोगी और रूस पर प्रतिबंधों का समर्थन करने वाला जापान खुद रशिया से तेल खरीद रहा है। जापान रशिया से तेल की खरीदारी उसी के द्वारा तय किए गए कदम पर ले रहा है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाकर उसकी कीमत $60 प्रति बैरल तय कर दी है लेकिन जापान तय कीमत से ज्यादा पैसे देकर रूसी तेल खरीद रहा है। जापान ने अमेरिका से कहा है कि ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया से तेल खरीदना उसकी आवश्यकता है इसीलिए उसे अपवाद माना जाए। अमेरिका ने भी जापान की इस तेल खरीद को अपनी मंजूरी दे दी है। जापान का यह रवैया दिखाता है कि जापान जीवाश्म ईंधन के लिए किस हद तक रशिया पर निर्भर है। ऐसे में विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यही कारण है कि जापान रशिया के साथ युद्ध में यूक्रेन की पूरी तरह से मदद करने में हिचक रहा है। जापान G7 देशों के समूह का एकमात्र देश है जो युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई नहीं करा रहा। अब ऐसे में दोस्तों पहले भारत को ये कोशा करते थे कि भारत क्यों रशिया से तेल खरीद रहा है लेकिन दोस्तों अब खुद जापान रशिया से ये तेल खरीद रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की जहां रामनवमी हिंसा को लेकर बड़ी खबर मुस्लिम देशों के संगठन OIC का बहुत बड़ा बयान जिसके बाद मोदी सरकार ने दिया करारा जवाब। बता दें रामनवमी पर भारत में हुई हिंसा को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC की टिप्पणी पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने OIC को सांप्रदायिक मानसिकता से पीड़ित और भारत विरोधी बताया है। भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब OIC सचिवालय ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाना चिंताजनक है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने OIC की आलोचना करते हुए कहा कि हम भारत के संबंध में OIC सचिवालय की ओर से जारी किए गए बयान की कड़ी निंदा करते हैं। OIC का यह बयान उसकी सांप्रदायिक मानसिकता और भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। जी हाँ बता दें कि भारत सरकार OIC के भारत विरोधी बयान के पीछे हमेशा पाकिस्तान का हाथ बताती है। भारत सरकार ने दिसंबर 2022 में कहा था कि इस्लामिक देशों का संगठन घोर सांप्रदायिक पक्षपातपूर्ण और तथ्यात्मक रूप से गलत स्टैंड लेकर पहले ही अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। बहरहाल दोस्तों आप लोग क्या OIC को जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर बताइएगा। जरूर देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। और साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए साथ बने रहने के लिए जय हिंद जय भारत।